नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ टीचिंग पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। ये कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन मैं हमारे टेलीग्राम हैंडल पे भी अपलोड कर दूंगी, तो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं ये, जिसकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की 7 दिसंबर 2024, और साथ में लास्ट डेट रहेगी हार्ड कॉपी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उसकी बाय पोस्ट भेजने की 17 दिसंबर 2024 5 बजे तक। अगर आपका पोस्टल डिले होता है, यानी कि आप स्पीड पोस्ट के द्वारा जो भेजते हो, अगर वो किसी भी कारणवश देर से पहुंचता है 5 बजे के बाद, 17 दिसंबर को 5 बजे के बाद पहुंचेगा, तो वो रिसीव नहीं किया जाएगा और आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सो मेक श्योर आप टाइमली ही इसको भेजें, ठीक है, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ठीक है, दोनों मोड में आपको ये सेंड करना है। अब जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, चलिए एक बार वो देख लेते हैं। तो ये है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी। पीजीटी बायोलॉजी की एक वैकेंसी है, पीजीटी बायोलॉजी, ये देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स के लिए थी। अब जो सीरियल नंबर 2 पे है, ये पीजीटी बायोलॉजी, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ के लिए है, जहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं। ऐसे ही पीजीटी कॉमर्स गर्ल्स स्कूल के लिए 1, बॉय स्कूल के लिए 1, मैथमेटिक्स की बॉय स्कूल के लिए 1, और नीचे आएंगे तो पीजीटी फिज़िक्स बॉय स्कूल के लिए 1 और एसटीएस स्कूल के लिए 1। ये थोड़ा इनका काफ़ी सारे स्कूल्स में जो है अपने हिसाब से इन्होंने वैकेंसीज पुट ऑन की है, तो जहाँ जहाँ पे रिक्रूटमेंट है, जहाँ जहाँ पे कमी थी टीचर्स की, उस हिसाब से ये वैकेंसीज आउट हुई हैं, ठीक है। अगर आप ये SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल, STC स्कूल, ये क्या STS स्कूल, ये सब क्या होता है, इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हो तो कॉमेंट कर देना, कॉमेंट्स में वी विल डिस्कस या एक सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 8 के हिसाब से रहेगा। एक अच्छा खासा सैलरी यानी कि गवर्नमेंट वाली आपको मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। परमानेंट टीचर वैकेंसी ये है। एज लिमिट 40 इयर्स होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम, और एज रिलैक्सेशन भी है फॉर जो यहाँ पे जो रिजर्वेशन के हिसाब से रहेगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन की हुई हैं सभी पोस्ट के लिए, चाहे आप पीजीटी बायो, कॉमर्स, मैथ्स, फिज़िक्स किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, तो पीजी आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में यहाँ पे होनी चाहिए। सारी रिक्वायरमेंट्स क्वालिफिकेशन की मेंशन है, तो एक बार देखकर फिर ही, अगर आपकी क्वालिफिकेशन वो पर्टिकुलरली है तो फिर ही आप अप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बीएड स्पेशल ओनली फॉर पोस्ट ऑफ अहमदी स्कूल फॉर विजुअली चैलेंज्ड, काफ़ी सारे नोट्स हैं, आप एक बार इनको रीड ज़रूर करिएगा। अब सीरियल नंबर 8 पे आते हैं। एक वैकेंसी जो है वो पीजीटी फाइन आर्ट्स की है गर्ल्स स्कूल में, एंड आपका पे स्केल वगैरह सब कुछ सेम है, क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब TGT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, TGT हिंदी, TGT हिंदी के लिए 1 वैकेंसी है, TGT मैथमेटिक्स के लिए 1 है, TGT मैथमेटिक्स STS स्कूल्स के लिए 1 है, देन TGT साइंस के लिए गर्ल्स स्कूल 1, TGT साइंस के लिए 1, TGT उर्दू के लिए 1 वैकेंसी। पे स्केल अगेन जो है 7th ग्रेड के हिसाब से, 7th लेवल के हिसाब से आपको मिलेगा। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री यानी कि बीएड आपकी होनी चाहिए, और साथ में जो है आपकी क्वालिफिकेशन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हो, आपकी ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट रहा हो, तो उस हिसाब से ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। सो एक बार रीड ज़रूर करिएगा और फिर ही अप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्राइमरी के अंदर। तो प्राइमरी टीचर्स की अलग अलग स्कूल्स में वैकेंसी है। कुल मिला के मैं बात करूँ तो 2, 2, 4 और 1, 5 और 1, 6।
छः वैकेंसी ओवरऑल पीआरटी की यहाँ पर हैं। पे स्केल आपको 6th पे स्केल के हिसाब से मिलता है, जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पीआरटी के लिए यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है वो है या तो आपने अपना 12th के साथ 12th में 50% रही हो और साथ में 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी कि डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है कि आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखा हो, यानी कि 12th क्लास कर रखा हो, और साथ में 4 साल का बैचलर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स जो कि बीएलएड है वो कर रखा हो। तीसरी सबसे मेन क्वालिफिकेशन कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है 50% मार्क्स के साथ और अपना बीएड किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे पीआरटी में बीएड वालों को अलाउ किया है अप्लाई करने के लिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग वैकेंसीज़ की, जिनमें बीएड में पीआरटी वालों को शामिल किया गया है, एंड इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कि काफ़ी सारी गवर्नमेंट परमानेंट वैकेंसीज़ में भी जो है इसको अलाउ किया जा रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात है कि बीएड वाले पीआरटी में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। साथ में आपका देखें यहाँ पे यूपी टेट या सी टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए, वो जो है एक टीजीटी और पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी है ही, पीजीटी के लिए दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब प्राइमरी टीचर आर्ट्स की भी एक वैकेंसी दूसरे स्कूल में भी एक है, तो कुल मिला के 2 वैकेंसी ये हो गई, और जो पे स्केल रहेगा वो 6th लेवल के हिसाब से आपका रहेगा। एज लिमिट 30 ईयर्स है मैक्सिमम पीआरटी के लिए, तो क्वालिफिकेशन एक बार देखकर तभी अप्लाई करिएगा। एंड रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट की जिन जिन को मिल रही है वो पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन है, वुमेन कैंडिडेट्स को मिल रही है या एससी एसटी ओबीसीज को कितनी मिल रही है वो सब यहाँ पे मेंशन है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप एक बार रीड करें, और अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए तो ही करिएगा। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो 500 रुपये के साथ ऑनलाइन मोड में जो है आपको करियर पोर्टल्स ऑफ यूनिवर्सिटी पे करना है। सो दिस इज़ अ लाइक गुड अमाउंट जब हम 500 तक के फॉर्म्स फिल करते हैं, सो मेक श्योर एलिजिबिलिटी चेक करके ही आप फिल करें। मैं अगेन ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि काफ़ी बार जो है स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं लेकिन अप्लाई कर देते हैं और इस तरीके से उनका पैसा बर्बाद जाता है। तो ऐसा ना हो तो मेक श्योर जो आपकी फ़ीस है वो आप या फॉर्म है वो तभी फिल करें जब आप फॉल कर रहे हों एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है ये सब मेंशन है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, फिर ऑनलाइन की हार्ड कॉपी लेके आपको ऑफलाइन मोड में भेजनी है। तो एक बार एक एक पॉइंट यहाँ पे रीड ज़रूर करिएगा, एंड दिस इज़ दी ओवरऑल नोटिफिकेशन फॉर दी टीचर्स वैकेंसी इन AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर PGT, TGT एंड PRT पोस्ट। कोई भी ऐसा डाउट हो जो समझ नहीं आ रहा हो रिगार्डिंग दिस एप्लीकेशन, सो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछना। फॉर्म आप कहाँ से कर सकते हो वो डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रही हूँ, उस पर क्लिक कीजिए, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे और डायरेक्टली वहाँ से जिस भी पोस्ट के लिए जिस भी सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर पाओगे। सो अब बाकी वैकेंसीज़ की भी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक कर लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।